नमस्कार, किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि, गुड़ी पड़वा और चेती चांद की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ एक नए तरह का फलाहार बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे बनाने में सिर्फ 2 आलू और 4 टेबलस्पून सिंघाड़े आटे का इस्तेमाल किया है और 10 मिनट में ये हमारा फलाहार बनकर तैयार हो गया है। तो आइए इस यूनिक रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। फलाहार बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं और उसे छीलने के बाद में इस तरह से उसकी चिप्स जैसा चाकू से कट करके रखा हुआ है और पानी में रखा है ताकि आलू काले ना हो। आधा कटोरी मैंने सिंघाड़े का आटा लिया है, ये मेरे पास पैकेट है सिंघाड़ा आटा। आप इसके बदले राजगिरे का भी आटा ले सकते हैं। और सेंधा नमक, काली मिर्च पाउडर और जीरा, बस हमें इतने से ही सामान की जरूरत है और हमारा बहुत ही टेस्टी और एक नए तरह का ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो जाएगा। सबसे पहले जो हमने पानी में आलू डाले हैं, इसे छन्नी से डालकर पूरा पानी इसका हम हटा देंगे और इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। मैंने इस तरह से पानी इसका पूरा निथार लिया है छन्नी में छान के। अब एक बड़े बाउल में सारे आलू डाल लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच ही मैं इसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप लाल मिर्च भी फलाहार में खाते हैं तो आप वो भी इसे डाल सकते हैं। अब जो सिंघाड़ा आटा हमने लिया है, ये छोटे चम्मच से मैं अभी 2 चम्मच सिंघाड़ा आटा इसमें डाल रही हूँ। सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, एक बार चम्मच से कर लेंगे और फिर हाथ से मसल मसल कर भी हम इसे आलू में पूरी इसकी लेयर अच्छे से बना लेंगे। इस तरह से मैंने हाथ से मिलाकर और उसे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आधी कटोरी सिंघाड़ा आटा लिया था, उसमें से 2 टेबलस्पून के करीब सिंघाड़ा आटा और बच गया है क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसे एक साइड कर लेते हैं। और मैंने एक ये प्रेशर पैन, ये पैन ले लिया है, नॉन स्टिक पैन है। इसमें 1 छोटा चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है और इस तरह से इसे पूरा मैंने फैला दिया है। अब इसमें हम जो हमारे आलू के पीसेस है उसे अरेंज कर देंगे। फ्रेंड, सिंघाड़े आटे से, साबुदाने से हम हमेशा फलाहार तो बनाते ही रहते हैं, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको बहुत मजा आएगा, इसका टेस्ट भी अलग लगेगा और खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। तो व्रत में अगर हम कुछ थोड़ा सा वैरायटी वाली चीज़ें बनाएं तो घर में भी सब लोग को बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से मैं सारे पीसेस इस पर अरेंज कर देती हूँ। इस तरह से मैंने सारे आलू अरेंज कर दिए हैं। पहले नीचे एक लेयर आई थी और जितने आलू के पीसेस बचे थे तो डबल लेयर भी उस पर इस तरह से पूरा जमा दिया है। अब हम गैस जलाएंगे और इसे बिल्कुल धीमी आंच पर स्टीम होने के लिए रख देते हैं। मैंने इसे गैस पर रख दिया है, गैस की आंच को हमने एकदम कम पर रखा है। अब हम इसे लिड से कवर कर देते हैं और 4-5 मिनट के लिए इसे अच्छे से हम कुक होने देते हैं। और ये नीचे से जब तक अच्छे से सिक जाएंगे, आलू अच्छे से कुक हो जाएंगे और कड़ापन नीचे आ जाएगा, उसके बाद में हम इसे पलटेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये नई रेसिपी फलाहार वाली अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब 7-8 मिनट, 4 से 5 मिनट का समय हो गया है और मैंने इसे ढककर अच्छे से कुक कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारे आलू अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और ये बिल्कुल चीला पराठा जैसा हम बनाते हैं उसी तरह से ये पूरा अच्छे से हिलने लगा है, मतलब नीचे से अच्छे से इसकी सिकाई हो गई और कड़कपन आ गया है। अब हम एक प्लेट ले लेंगे, प्लेट के ऊपर इसे डालकर पलट लेते हैं। प्लेट की सहायता से हमने इसे अच्छे से पलट दिया। बस तेल हमने एक बार जो डाला था नीचे छोटी सी चम्मच से, उतना ही तेल है। बहुत कम तेल से हमारा ये बहुत ही बढ़िया फलाहार बनके तैयार हुआ है। इसे भी अब हम ढक देंगे
और फिर से 4 से 5 मिनट इसे बिल्कुल धीमी आंच पर अच्छे से कुक होने देंगे, ताकि उस साइड भी जो आलू है वो भी थोड़े अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँ आप उसे इंजॉय कर पाएँ। 4-5 मिनट इसे भी मैंने नीचे से कुक कर लिया है। देखिए दोनों साइड से हमारा फलाहार बहुत अच्छा बनकर तैयार हो गया है। आलू बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और दोनों साइड से ये अच्छा सा क्रिस्पी हो गया है, दिख रहा है ना बहुत ही सुंदर। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये मैंने प्लेट में निकाल लिया है तो आप देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल डिफरेंट एक नए तरह का फलाहार बनकर तैयार हो गया है। इसे हम कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। फलाहार के लिए मैंने बनाया है तो सिंघाड़ा आटे का इस्तेमाल किया है। आप अगर फलाहार के लिए नहीं भी बनाएं तो इसमें थोड़ा सा बेसन और कॉर्नफ्लोर मिलाकर भी इसे बना सकते हैं। इसे हम किसी भी शेप में काट सकते हैं, या तो बर्फी वाले शेप में काट लेंगे या केक जैसे हम काटते हैं ट्रायंगल वाला शेप, वैसे काट के एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ में हम हरी चटनी जो कि हम व्रत में बनाते हैं और आलू के रायते के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।